गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आर जी के क्लास, आर जी के बुक, आर जी के प्लेनेट। सो वी स्टार्ट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। स्पीक माई टंग, स्पीक माई टंग। आई यानी हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंट तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम देखो, नंबर 1 है, आई लिव इन गोवा। यहाँ पे एक आदमी का फोटो दिया गया है, आई लिव इन गोवा, मैं गोवा के अंदर रहता हूँ। आई स्पीक, और मेरी भाषा है तो गोवा की कौन सी भाषा होगी? तो देखो बच्चों, आपको नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है। इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से हम भाषाओं के बारे में जानेंगे और फिल करेंगे। तो आई लिव इन गोवा, आई स्पीक, तो गोवा की कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये हेल्प बॉक्स है जिसमें ई नंबर पे लिखा हुआ है कोंकणी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ई, कोंकणी। आई लिव इन गोवा, आई स्पीक कोंकणी। नंबर 2 है, यहाँ पे भी एक पीपल है, वो बोल रहा है, देखो, आई लिव इन आसाम, मैं आसाम में रहता हूँ, आई स्पीक। अब आसाम वाले की क्या लैंग्वेज होगी? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन F, असमी। क्या आएगा? आई लिव इन आसाम, आई स्पीक असमी। नंबर 3 पे आ जाइए, यहाँ पे भी एक पीपल है, आई लिव इन केरला। कहाँ का है? केरला। आई स्पीक, अब केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन D, मलयालम। मलयालम कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब आ जाइए बच्चों, नंबर 4, आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, अलग अलग स्टेट की भाषा भी अलग अलग है और वहाँ की वेशभूषा भी अलग अलग है। देख रहे हो ना आप, गोवा में अलग ड्रेस है, आसाम वाले की अलग ड्रेस है, केरला वाले की अलग ड्रेस है। तो अलग अलग भाषा के साथ साथ अलग अलग क्या है, ड्रेस, वेशभूषा, वहाँ का पहनावा। अब आ जाइए नंबर 4 पे, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई स्पीक। अब महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में बोली जाती है बच्चों ऑप्शन B, मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। अगला है बच्चों नंबर 5, आई लिव इन कर्नाटका, कर्नाटका, आई स्पीक। अब कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है ऑप्शन C, कन्नड़। ठीक है बच्चों, नंबर 6 पे आ जाइए, आई लिव इन तमिलनाडु, आई स्पीक। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया है A, तमिल, तमिलनाडु में तमिल। तो इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर आपको भाषाएं लिखनी है, ठीक है, फिलिंदा ब्लैंक्स को फिल करना है उनकी लैंग्वेज लिखकर। तो ये है हमारा चैप्टर 3। अब आते हैं हम चैप्टर 4 पर। आपको
कंप्लीट आंसर के साथ भी एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी भी हेल्प से आप अपनी बुक फिल कर सकते हो। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम चैप्टर 4 डांसेस ऑफ इंडिया। डांसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के डांस के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखो आपको डांस की भी फ़ोटो दी गई है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे आपको 6 ABCD ABCDEF में आपको डांस के साथ लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम ऑफ देयर नेम, हमको पिक्चर को नेम के साथ मिलाना है। पिक्चर को हमको नेम के साथ मिलाना है। तो पहले लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को, कुचिपुड़ी के डांस को पहचानो आप। कुचिपुड़ी का डांस कौन सा है? तो कुचिपुड़ी का डांस है, ए को मिला दीजिए 6 से, ये है कुचिपुड़ी का डांस। ठीक है बच्चों, अब है दूसरे नंबर पे वी पे, ए हो गया हमारा, बी पे है उड़ीसा, ठीक है उड़ीसी वाला। तो इसमें है बच्चों कौन सा डांस आएगा? तो इसमें आएगा आपका नंबर 4। अब है सी पे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में आपका आएगा, ये है आपका भरतनाट्यम। अब है आपका कथक, तो कथक में आएगा आपका नंबर 1, तो इसको 1 से मैच कर दो। अगला है आपका कथकली, कथकली में आपका आएगा नंबर 2, ये है आपका कथकली का डांस। अगला है मणिपुरी, एफ पर है मणिपुरी, मणिपुरी का डांस है 5 नंबर। इस तरीके से हमने डांस को नाम से नेम से मैच कर दिया। ठीक है बच्चों, आप मैच भी कर सकते हो और इसके आगे भी ए बी सी डी ई एफ के आगे नंबर भी लिख सकते हो, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे है ना क्वेश्चन नंबर वी, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस ऑफ देयर ऑर्गेन यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हमको प्लेस के नेम लिखने हैं, ठीक है, हेल्प बॉक्स ये है हमारा, यहाँ की हेल्प लेके हमको इसके नेम लिखने हैं। तो देखिए नंबर 1 पे है मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर में, कहाँ पर है? मणिपुर में, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ई, नंबर 1 ऑप्शन में ई आ जाएगा। आपको नाम लिखना है, मैं आपको ऑप्शन लिख के दिखा रही हूँ लेकिन आपको नाम लिखना है। कथकली, कथकली कहाँ का डांस फेमस है? तो कथकली डांस है केरला, तो केरला है हमारे सी ऑप्शन में। अगला है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का फेमस है? भरतनाट्यम फेमस है बच्चों तमिलनाडु, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ऑप्शन। अगला है उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसी है उड़ीसा का, उड़ीसा ए ऑप्शन आ जाएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। अगला है हमारा 6 कथक, कथक है नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। इस प्रकार हमको यहाँ पे ये नेम लिखने हैं, मणिपुरी के आगे मणिपुर, कथकली के आगे केरला, भरतनाट्यम के आगे तमिलनाडु, उड़ीसी के आगे उड़ीसा, कुचिपुड़ी के आगे आंध्र प्रदेश और कथक के आगे नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड होता है। आपको ये बुक में करने हैं दोनों, कॉपी में नहीं करने हैं। डू वर्क इन बुक,
ओके बच्चों, थैंक यू।